चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के साथ। बहुत ही सिंपल प्यारा सुशील चैप्टर। सर आप तो हर चैप्टर के लिए बात कहते हैं। हाँ जी, लेकिन ये चैप्टर सही में बहुत आसान है बच्चों। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत एक सिंपल सा शॉर्टकट बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, जिससे 80% ऑफ द चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द 20% जो है वो जब प्लस और माइनस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को मैं ब्रॉडली बोलूँ तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा फंक्शंस को सॉल्व करना, सेकंड पार्ट होगा लिमिट्स को सॉल्व करना, थर्ड पार्ट होगा कॉन्टिन्यूटी चेक करना। तो मैं फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइए, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज फंक्शंस। थोड़े बहुत फंक्शंस आप मेरे साथ सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ के भी आ रहे हैं, यहां पर थोड़ी सी एडवांस बातें होने वाली है। क्या, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन क्या होता है बच्चों? अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा तो आप उसे इवन फंक्शन कहेंगे। इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इट विल बी कॉल्ड एज इवन फंक्शन। मीनिंग देयर बाय, जैसे कि मैंने आपको बोला एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब आपको मैंने बोला x की जगह आप माइनस एक्स डालिए, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 यही लिखो गया, और माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज एफ एक्स। तो आप बोलेंगे गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल नहीं, बहुत सारी परिभाषाएं इसकी हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एक बात है। बट जो कोई भी फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन कब होगा? अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है और नहीं है तो आप उसे सिंपली क्या बोल देंगे कि सर ये ऑड फंक्शन है। बात समझ में आती? चलिए अब मैं आपको कुछ फंक्शंस यहां पर और तरीके के समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड है कंपोजिट फंक्शंस। जैसे कि आपके पास है एफ एक्स 2x+5, एक जी एक्स है 3x+7, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, देख रहे हैं। मैंने आपको बोला एफ ओ जी, आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी निकालना है आपको। एफ ओ जी का मतलब है, मैं थोड़ी इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं, इसका मतलब है एफ ऑफ जी। इसको और अच्छे से बोलूं तो एफ एक्स ऑफ जी एक्स। क्या मतलब है एफ एक्स ऑफ जी एक्स? मतलब आप इसे ऐसे लिखेंगे एफ ने जी एक्स, एफ ऑफ क्या लिख दिया जी एक्स, जी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3x+7, जी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3x+7। अब ये आपका एफ एक्स है 2x+5, एफ एक्स आपका क्या है 2x+5, आपको x की जगह 3x+7 डालना है। x की जगह क्या डालना है 3x+7, तो 6x+14+5, तो 6x+19। समझ रहे हैं आप इस चीज को? हमने क्या किया, f ऑफ जी एक्स है, जी एक्स में हमने क्या लिख दिया 3x+7। नाउ हेयर यू हैव टू रिप्लेस, आपको इस x को रिप्लेस करना है 3x+7 से। मतलब हर जगह x की जगह आपने 3x+7 डाल दिया। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बोला जी ओ एफ निकालो, तो क्या मतलब है जी ओ एफ का, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है आपका 2x+5, अब x की जगह आप ये डालिए 3
टू एक्स प्लस फाइव प्लस सेवन, तो सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस सेवन, तो सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी वन। ठीक है जी, तो इन चीजों को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शंस, ये आपके कंपोजिट फंक्शंस हैं। ठीक है जी, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि और अच्छा बेहतरीन दिमाग में जबरदस्त तरीके से क्लियर हो। एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव जी एक्स टू एक्स प्लस सेवन, मैंने बोला जी ओ एफ निकालो, तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव। तो अब जहां जहां x है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस फाइव, तो टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका एक बेसिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया।